हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पुराना नाम हड़प्पा सभ्यता भी था। अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता को मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी अत्यंत प्राचीन सभ्यता के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई विशेषज्ञों या पुरातत्व विभागों के द्वारा यह कहा गया है कि जो खोज में उन्होंने देखा उसके चलते उन्होंने यह भी कहा है कि जो मिस्र एवं मेसोपोटामिया की हमारी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी मिलती जुलती है, कि जैसे उन लोग का रहन सहन था, वो कैसे रहते थे, वो अपने डेली उपयोग में क्या क्या चीज़ें करते, उन सभी चीज़ों से हड़प्पा सभ्यता अत्यधिक मिलती जुलती है। अगर हम आगे देखें तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसे सुमेरियन सभ्यता की बेटी के रूप में देखा जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से भी मिलती जुलती है। यह मत मैकडोनाल्ड ने दिया था, इसको हम मैकडोनाल्ड का मत भी कह सकते हैं। और इसके सिवाय हम यह देख सकते हैं कि जो हमारी सुमेरियन सभ्यता है वह हड़प्पा सभ्यता से ही निकली है, जैसा कि मैंने भी कहा। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि सिंधु सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से श्रेष्ठ थी। कई विद्वान ये भी कहते हैं कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है वह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी अत्यंत श्रेष्ठ थी। वास्तव में हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता अत्यंत ही प्राचीन सभ्यता एवं विश्व की सभी सभ्यताओं से बहुत ही अलग है। और इसके आगे हम यह देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि कुछ समय पूर्व तक यह माना जाता था कि भारत में सभ्यता के युग का प्रारंभ आर्यों के आगमन से हुआ। जब आर्य भारत पर आए, भारत में आए, तो उन्होंने सभ्यता की खोज की। उनके आते ही मतलब सभ्यता का युग प्रारंभ हो गया। उसके बाद हम यह देखते हैं कि 1921 में सर जॉन मार्शल, जो एक पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में खुदाई की, या क्या कहते हैं, जांच पड़ताल की, तो उनके एक सहायक जो राखल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी ने पंजाब के कई प्रांतों में खुदाई की, तो वहां से हड़प्पा नगर की या हम भी कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में पता चला। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी का हड़प्पा सभ्यता की खोज में अत्यंत ही योगदान रहा। राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता या पंजाब के कई प्रांतों में खुदाई कराई, जहां से उन्हें हड़प्पा मोहन जोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई कराई, जहां पर उन्हें कई अवशेष और वस्तुओं के बारे में पता चला, जिससे हम यह कह सकते हैं कि आज के लगभग 4500 से 5000 वर्ष पूर्व भारत पर मतलब अत्यधिक उच्च कोटि की कोई सभ्यता थी, या मतलब कोई सभ्यता हमारी रह चुकी है, हम यह भी कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी की नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी मतलब कहते हैं। सिंधु घाटी नदी के चलते ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। और हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका विस्तार कहाँ तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हड़प्पा मोहनजोदड़ो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पंजाब सिंध राजस्थान अफगानिस्तान सौराष्ट्र गुजरात कश्मीर तथा गंगा की उत्तरी घाटी तक थी। यह मतलब उत्तर से दक्षिण तक कहाँ थी, पूर्व से पश्चिम तक कहाँ थी। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता तो उसकी उद्भव कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ या उसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब या हमारा जो मान लीजिए पाकिस्तान है या पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता एक परिपक्व एवं पूर्ण विकसित सभ्यता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जो हमारे सर जॉन मार्शल थे, जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारी है वह 5000 वर्ष पुरानी है, किंतु अभी तक हड़प्पा वासियों की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भले ही 5000 साल पुरानी है,
लेकिन आज तक उनकी लिपि को कोई पढ़ नहीं सका है। उनकी लिपि ही ऐसी थी, किंतु अभी तक हड़प्पा वासियों की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हड़प्पा संस्कृति के उद्भव के संबंध में आज भी कुछ निश्चित रूप से कहना संभव है, परंतु इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के पुरातत्व आज भी प्रयत्नशील हैं। अनेक विद्वानों के मतों का विवेचन इस प्रकार किया जाता है। असल में हम यह कह सकते हैं कि जब हम उनकी लिपि को नहीं पढ़ सकें तो उनकी सभ्यता के बारे में हमें कुछ भी इधर उधर का कहना तर्कसंगत नहीं लगता। और हम आगे देखते हैं कि अनेक विद्वानों का क्या क्या मत रहा हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर। तो जो हमारे हीलर थे उनका यह मत यह था कि इनका मतलब जो दजला फरात घाटी है वहाँ जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हमारी विकसित हुई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी अत्यंत प्राचीन है। उसके बाद व्हीलर महोदय का मत यह है कि हम यह भी कह सकते हैं कि इन्होंने इसके नगर नियोजन पर टिप्पणियाँ की हैं। उसके आगे हम इनकी कुछ आलोचनाएं देखते हैं। उसके बाद हम दूसरे वाले में देखते हैं कि जो हमारे पिंगट साहब थे, गार्डन साहब थे, इनका क्या मत था। तो इनके मतानुसार हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति जो है बलूचिस्तान के पठारी हिस्सों में हुई। इनका मत यह था कि जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई या पाकिस्तान या मतलब इधर पंजाब नहीं, पश्चिमी भारत नहीं, मतलब बलूचिस्तान में, इसका मतलब जो उत्पत्ति है ये बलूचिस्तान के पठारों में हुई है। इनका मत यह था। आगे हम देखते हैं आग्र संस्कृति संबंधी मत। कथित विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि आग्रिक संस्कृति का विकास सिंध में हुआ। इनके मतानुसार यह था कि जो इस संस्कृति का विकास हुआ था यह सिंध में हुआ था। उसके बाद विद्वानों ने आगे संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के माता पुत्री का संबंध बताया। मतलब जो ये जो आग्रिक संस्कृति थी और हड़प्पा संस्कृति है इनको माता और पुत्र का संबंध बताया। जो ये विद्वान थे इन्होंने कहा है कि इनका संबंध माता और पुत्री का था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। चौथा मत था कुल्ली संस्कृति संबंधी मत। पाकिस्तान बलूचिस्तान एवं सिंध क्षेत्र में हुए अनेक पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर कुल्ली संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारियां प्राप्त होती हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का ऐसा अभिमत है कि कुल्ली संस्कृति के निवासियों का व्यापारिक संबंध पश्चिमी एशिया के साथ रहा। कुल्ली संस्कृति के भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटों, पत्थरों तथा अनेक प्रकार के पत्थर निर्मित पात्र एवं बैलों के अंकन का आधार पर उन विद्वानों ने कुल्ली संस्कृति को ही हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति का उत्तर दिया। कुल मिला के इन्होंने जो ये कुल्ली संस्कृति हमारी थी इसको हड़प्पा संस्कृति का उद्भव माना है। पांचवे में हम देखते हैं सूथी संस्कृति मत। इसमें इन्होंने इसी संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति का उद्भव मान के चला है। उसके बाद हम हड़प्पा संस्कृति का विस्तार देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो हमारी जो थी हड़प्पा सभ्यता थी इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, ये कहाँ कहाँ तक फैली थी। तो हम इसको देख सकते हैं कि इसको हमने ऊपर भी बताया था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा उधर उत्तर पश्चिम में हमारा पंजाब हो गया, सिंध, राजस्थान, अफगानिस्तान और वहाँ गुजरात, कश्मीर, यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये तो कॉमन है। अब हम आगे देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है हमें, मतलब हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने से निष्कर्ष क्या निकला। इसका निष्कर्ष कुल मिलाकर यह निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारी थी यह अत्यंत ही प्राचीन सभ्यता थी। इससे अच्छी सभ्यता कोई नहीं हमारी, और यह जो सभ्यता थी यह अपने आप में एक विकसित सभ्यता थी, अत्यंत ही विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता में हमें जो भी उत्खनन से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वह मतलब आज के एकदम नगरीय रूपी सभ्यताएं थी, मतलब नगरीय रूपी वस्तुएं थी कि जो आज के समय में जैसी वस्तुएं यूज़ उस समय नगर की व्यवस्था थी, सड़क नाली, मतलब अत्यंत ही सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, हमें यह देखने को हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।